हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नवीन प्लैनेट। सो आज हम जा रहे हैं हीराकुद, वहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था गांधी मीनार, जवाहर मीनार, हीराकुद डैम और रोप वे का एक्सपीरियंस। तो आज हम करेंगे वाटर स्पोर्ट्स इन राइट डाइक साइड एरियाज ऑफ हीराकुद, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं वाटर स्पोर्ट्स एरियाज़, तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स होता है, क्या सब प्राइसेस है, तो फिर चलते हैं अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स करने, तो पहले हम करेंगे जेट स्की, उसके बाद पैरासेलिंग, देन विल गो टू बम्पर। दिखाते हैं। और ये हम जेट स्की में बैठ गए और मेरे साथ है राइडर। अगर आप जेट स्की लेते हैं तो इसका प्राइस है 400 रुपीज़। अगर आप सेल्फ राइड करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेगा, सो दैट इज़ 500 रुपीज़। यहाँ पे स्पीड बोट का भी फैसिलिटी है जिसका चार्ज है 200 रुपीज़ पर पर्सन, वो नॉर्मल है। और एक है 250 रुपीज़ पर पर्सन जो कि एडवेंचर वाला है, उसमें जिगजैग कट रहेगा और पास में जो सन आइलैंड है उसके पास जाने का भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पे क्रूज बोट का भी फैसिलिटी है जिसका चार्ज है 400 रुपीज़ पर पर्सन इन एसी और 300 रुपीज़ नॉन एसी का। तो ये शेयरिंग राइड रहेगा मिनिमम 12 पीपल। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो जेट स्की राइड बहुत ही मज़ा आएगा। और ये जेट स्की राइड ख़त्म हो गया और अभी हम करेंगे बम्पर राइड। तो बम्पर राइड के लिए दो जन होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं घर में जैसे सोफ़ा होता है उसके ऊपर बैठते हैं, तो ये जो ट्यूब वाला सोफ़ा, बहुत ही मज़ा आता है जब आप ऐसे बैठोगे। तो वहाँ पे हैंडल होता है, उसको कस के पकड़ना होता है। आप जैसे कि कुछ क्राइम किए हो और आपको ये काला पानी में सजा दे रहे हैं, लेकिन बहुत मज़ा आता है। जब आप ऐसे गोल गोल घूमोगे तो बहुत ही मज़ा आता है। तो हमसे पहले दो लड़कियां कर रहे थे बम्पर राइड, तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे वो लोग मम्मी मम्मी बोलती, तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमारा बम्पर राइड भी ख़त्म होने वाला है, तो इसका प्राइस है 400 पर ईच पर्सन, सो 800। तो हमने फैमिली बोट का भी लिया था जिसका चार्जेस है 250 रुपीज़ पर पर्सन। मेरी माँ को बहुत मन था बहुत दिन से बोटिंग करने का, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी बोटिंग करने के लिए। वो भी अपने ज़माने की एक गुड स्विमर है। माँ गंदा लाओ जी। डीप कलर है कि लाइट कलर है, वहाँ तक पानी का लेयर मतलब लेवल आता है। तो अभी हम चलेंगे कायक। तो कायक के लिए आप सिंगल भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं। सिंगल बोट के लिए आपको 100 रुपये चार्ज लगता है और उसमें 15 मिनट्स का राइड रहेगा। अगर आप डबल भी करते हैं तो वही 15 मिनट का राइड रहेगा, 200 रुपीज़। तो जितने भी बोटिंग एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ जैकेट कंपलसरी है, तो ऐसे कुछ डरने वाली बात नहीं है। वहाँ पर रेस्क्यू बोट भी होता है तो सेफ़ है। तो वहाँ पे ड्रोन फैसिलिटी भी है, आप अपने राइड के साथ ड्रोन भी ले सकते हैं जिसका चार्जेस 300 रुपीज़ आता है हर एक एक्टिविटीज़ का।
तो अभी हम कायक कंप्लीट करके आए, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। हम लोग यहाँ से निकले और पूरा है दो चक्कर वहाँ से लगा के, ये 15 मिनट का राइड था, तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस। मैं तो बोलूँगा आप भी आइए यहाँ पे, एंजॉय कीजिए वाटर स्पोर्ट्स इन हीराकुद। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आप अपना टिकट ले सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ पैरासेलिंग के लिए। हेलो, वेलकम टू संबलपुर, इट्स हीराकुद एंड आई एम एंजॉयिंग पैरासेलिंग। बहुत ही मस्त नज़ारा है यहाँ पे, ओ मारुति के ऊपर। बहुत दिन से सोच रहा था पैरासेलिंग करने का और आज ये सक्सेसफुल हो रहा है। अभी मैं बहुत ऊपर में हूँ, इसका जो एक्सपीरियंस है मैं बयान नहीं कर सकता, इट्स रियली अमेजिंग। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओ, 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 अरे मैं पूरा भीग गया। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। आई कांट एक्सप्लेन ये एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार है भाई, आप लोग जरूर आइए यहाँ पे। सुंदर नजारा, इतना अच्छा नजारा मैं देखा नहीं था, इट्स रियली ग्रेट। द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम ऑफ द वर्ल्ड, उसी डैम के ऊपर आप जब पैरासेलिंग करते हो, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। यहाँ से मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, रियली फेल से यहाँ से मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बार बार पैरासेलिंग करने का मन कर रहा है। वाव, अभी बारिश आने वाली है बट बारिश आने से पहले शायद मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो रियली आई एम एंजॉयिंग इट लॉट। क्या बताऊं मैं, मेरे पास लव्स नहीं है हाउ टू एक्सप्लेन। तो आज मैंने ठान के आया था कि पैरासेलिंग करके रहूंगा और जितने सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं सब करके रहूंगा, एंड आई डिड इट एंड आई एम डूइंग। मेरे साथ जो स्टाफ है बहुत ही सपोर्टिव है और यहाँ खतरे की कोई नौबत नहीं है, बहुत ही सेफ राइड है, एंड थैंक यू टू द स्टाफ मेंबर। एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार है, जब मैंने डीप किया उसका एक्सपीरियंस तो मैं बता नहीं सकता, और मैं तो थैंक बोलूँगा ये जो सपोर्टिंग स्टाफ है। हमने पैकेज लिया था 1600 का, जिसमें शामिल था पैरासेलिंग और उसमें था बम्पर और कायक था और उसके साथ क्या था, जेट स्की। तो हमने बहुत एंजॉय किया, सबसे मज़ेदार है ये वाला बम्पर
आपको ऐसा लगेगा कोई आपको पनिशमेंट दे रहा है, खींच खींच के पानी में लेके जा रहा है। और जेट स्की भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार एक एडवेंचरस राइड था। तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हीराकुद नाम कैसे आया। यहाँ के लोकलाइट्स बोलते हैं कि पहले यहाँ पे हीरा मिलता था, आई मीन डायमंड्स, बट आजकल ऐसा कुछ डायमंड यहाँ पे नहीं मिलता है। सो बहुत सारे लोगों का इमोशंस जुड़ा हुआ है हीराकुड डैम के साथ, क्योंकि जब हीराकुड डैम बना मोर देन 294 विलेजेस के लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा और 112 विलेजेस तो पानी के अंदर। बोलते हैं ना कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हीराकुड डैम बनाने के लिए बहुत सारे लोग अपना ज़मीन छोड़े, अपना घर छोड़े, ठीक है। तो वही लोग आजकल इतिहास बन चुके हैं। पर डैम बनाने का मेन मकसद ये था कि कैसे कोस्टल एरियाज़ में जो बाढ़ आते थे उसको रोका जाए। सो फाइनली डैम बना बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के बाद। सो डैम बनने के बाद यहाँ पे ये फ़ायदा हुआ कि जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल होता है। एंड यहाँ से दो कैनल निकलता है, एक है ये जो राइट डाइक है, इधर से बरगढ़ कैनल है, एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड लेफ्ट डाइक वहाँ से सासन कैनल निकलता है। तो ये जो कैनल भी है वो दैट हेल्प्स इन इरीगेशन टू द नियर बाई एरियाज। आप देख सकते हैं यहाँ जो मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पे पानी नहीं है, बट ड्यूरिंग मानसून टाइम जब बारिश का महीना आता है ये पानी पूरा ऊपर चला जाएगा, अब पूरा पानी ही पानी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ ये जो लैंड मासेस है लाइक आइलैंड्स टापू वो दिखाई दे रहे हैं, वो भी पानी के अंदर आ जाता है। द मेन कंसर्न इज रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ द डैम, इट्स ऑलरेडी नियर टू 70 ईयर्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ डैम, बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन बहुत सारे सेडिमेंटेशन हो रहे हैं और उसके वजह से जो डैम का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। तो सेडिमेंट्स निकालना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक हरकुलियस टास्क है। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव टू सेव दिस डैम। तो आप भी आइए हीराकुद और ये वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का मज़ा लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।